नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। दोस्तों, हम सोचते हैं कि पाकिस्तान के लोग तो बुरे नहीं हैं, वो तो बेचारे हमारे जैसे हैं। वहाँ के जो हायर ऑफिशियल्स हैं, वहाँ के पीएम, वहाँ के आर्मी चीफ, वो बुरे हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि वो हमसे नफरत करते हैं, मगर बार बार हर कदम पर पाकिस्तानी लोग हमें यह एहसास दिलाते हैं कि उन्हें हमसे कुछ खास लगाव तो नहीं है, और हमारे जैसे तो वो बिल्कुल भी नहीं है। उदाहरण के तौर पर शाहिद अफरीदी, जो कि हमेशा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाते हैं, आज उनकी हिपोक्रेसी और हमारे देश के प्रति उनकी नफरत को दिखाया जाएगा। दोस्तों, शाहिद अफरीदी हिंदुओं का और इस देश का कितना बड़ा दुश्मन है, आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों, जब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होता है तो कुछ बातें देखने वाली होती है। इंडिया में उस टाइम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, ये सब कुछ नहीं होता। सबकी आइडेंटिटी इंडियन होती है और सब मिलकर इंडिया को सपोर्ट करते हैं। हाँ, पाकिस्तान में भी यही होता होगा, मगर आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक चीज़ और होती है जो कि काफ़ी आम है, उनके घर की टीवी का टूटना। जैसे ही पाकिस्तान मैच हारती है, वहाँ के लोग अपनी टीवी को फोड़ना शुरू कर देते हैं। एक बार शाहिद अफरीदी ने अपने घर की टीवी फोड़ दी थी, मगर उसकी वजह मैच हारना नहीं था, बल्कि हिंदू रीति रिवाज थे। दरअसल शाहिद अफरीदी के एक इंटरव्यू की क्लिप है जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने घर पे एक बार टीवी फोड़ा था। उसकी वजह बताते हुए वो कहते हैं कि उस समय इंडियन चैनल स्टार प्लस बहुत ज्यादा चलता था। एक दफा टीवी तोड़ चुका हूँ, ये हमारे स्टार प्लस के ड्रामे बड़े चला करते थे। बेगम को मना करता था, मैंने कहा आप अकेले में देख लिया करो, वो भी टीवी बहुत कम देखती है। अच्छा। तो मैंने कहा अकेले में देख लिया करो टीवी, आप बच्चों को ना बिठाया करो। अच्छा, क्यों ना बच्चों को दिखाए? ऐसा कुछ गलत तो आज तक स्टार प्लस में नहीं आया जो बच्चे ना देख सके। तो क्या देखे बच्चे? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में जो कि बिल्कुल डूबी हुई है। इनको इन सब चीजों से कुछ मतलब नहीं है, इनको बस प्रॉब्लम यही है कि पाकिस्तान के लोग इंडियन कल्चर ना देख ले, इंडियन चैनल्स पे आ रहे हिंदू रीति रिवाज ना देखे। सिर्फ इसी वजह से इन्हें इंडियन चैनल से प्रॉब्लम है। अंशा थी कि अक्षा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं यूं करके आरती बोलते हैं उसे। और ये बात शाहिद अफरीदी भी जानते हैं, मगर जानबूझकर नौटंकी कर रहे हैं। और ये साथ वाली एंकर इतना दांत निकाल कर क्यों हंस रही है? शायद इनको भी कपिल शर्मा शो में काम चाहिए। उतरो यहां से, चलो। नहीं भाई, इंडियन चैनल्स पर तो ये हंसते हैं, अगर कोई आरती कर रहा है तो उसमें हंसने वाली बात तो कुछ भी नहीं है। आरती करना, नमाज पढ़ना, चर्च में प्रार्थना करना, सब एक ही तो बात है। क्या आप बाकी सब बातों पर भी ऐसे ही हंसते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती। हाँ। पता नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए, तो मैंने यूं करके देखा, तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो भाई से कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। क्या कर दिया भाई, कागज का था क्या टीवी? यूं करके दीवार में यूं करता तो हाथ भी यूं ही हो जाता। वो एक दफा टीवी तोड़ा था, पर उसके बाद और अगर इतनी ही प्रॉब्लम है इंडियन चैनल से तो मत देखो। पाकिस्तान में अगर इंडिया के चैनल नहीं देखे जाएंगे तो हम भूखे नहीं मर जाएंगे। और हमारे सीरियल्स से तो ज्यादा ही ड्रामा होता है पाकिस्तानी सीरियल में, तो ड्रामे की बात अगर शाहिद अफरीदी ना करे तो बेहतर होगा। इंडियन टेलीविजन, इंडियन सिनेमा में आने के लिए तो पाकिस्तानी एक्टर्स मरते हैं। पहले जब पाकिस्तान में थोड़ा फेमस हो जाते हैं तो इंडिया जाते हैं काम मांगने, और यहाँ के बुद्धिजीवी डायरेक्टर्स इनको काम भी देते हैं। कला की आड़ में पाकिस्तानियों को सपोर्ट करना बिल्कुल गलत है, और यहाँ के स्ट्रगलिंग एक्टर्स को ये काम नहीं देते हैं। इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत जैसे एस्टैब्लिश एक्टर, जिनको फिल्में भी मिल रही थी, उनको आत्महत्या करनी पड़ गई। लोग तो ये भी कहते हैं कि उनके डिप्रेशन की वजह उनसे छीनी गई फिल्में थी। ये पाकिस्तानी हमारे धर्म, हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति से बहुत चिढ़ते हैं। इनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान भी कोई भारत का हिस्सा था, इसलिए एक टाइम पर ये संस्कृति इनकी भी हुआ करती थी। इनको तो इस धर्म, इस संस्कृति की इज्जत करनी चाहिए, मगर नहीं, ऐसा तो ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और शाहिद अफरीदी ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने हमारे पीएम को बहुत बुरा भला कहा था। काफी अच्छे से प्रोग्राम बना रहा था कि आप लोगों से मिलूं, आऊं, आप लोगों को देखूं, लेकिन ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी इज्जत अमान में रखे, आमीन। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। बेशक जली ना, तेरी भी जली ना। वो बीमारी, और वो बीमारी मजहब की बीमारी है। बेशक मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई
कश्मीरी बहने बुजुर्ग हमारे उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी इंशाल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा वो। बेबुनियाद आरोप करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है लेकिन है डरपोक आदमी। चुप, सातवीं फेल, चुप। एक छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने। फूल बो रहे हैं पर शब्द हमारे हैं, जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान की फौज 7 लाख की है। Whoops. पोल खुलता है बेवकूफ। तो ये नहीं पता कि हमारी 7 लाख फौज के पीछे 22-23 करोड़ की फौज खड़ी हुई है पीछे। बेशक हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। और उनकी इन घटिया बातों पर हमारे देश के क्रिकेटर्स ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसमें युवराज सिंह, हरभजन सिंह, शिखर धवन भी शामिल है। युवराज सिंह ने लिखा था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के लिए शाहिद अफरीदी द्वारा बोले गए शब्द से मैं निराश हूँ। देश के लिए खेले जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता। भज्जी ने भी कहा कि हमें लगता था कि शाहिद अफरीदी हमारा दोस्त है, मगर उसने ये दोस्ती वाली हरकत तो नहीं की है। जो अफरीदी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को कहा है वो गलत है, और कभी भी मुंह उठाकर कोई हमारे पीएम, हमारे नागरिक, हमारे देश के बारे में बोल दे वो हमें बर्दाश्त नहीं है। और सबसे शानदार रिप्लाई लगा शिखर धवन का। उन्होंने लिखा, इस समय जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, तुम्हें कश्मीर चाहिए? कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा ही रहेगा। चाहे 22 करोड़ ले आओ, हमारा 1.25 लाख के बराबर है, बाकी खुद गिनती कर लेना शाहिद अफरीदी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन तीनों क्रिकेटर्स ने जवाब देकर अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है। जिस देश ने हमें सब कुछ बनाया है उसके खिलाफ हम कैसे सुन सकते हैं? बात तो सही है, मगर इस मामले में ज्यादातर बड़े खिलाड़ियों ने चुप्पी साधी थी, जो कि काफी गलत लगा था। और शाहिद अफरीदी यही नहीं रुके, जब 2011 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। युवराज सिंह कमाल का ये गेंदबाज आसा शफी को यहां गया आउट। तो इन्होंने हार का सारा इल्जाम मीडिया पर लगा दिया था, वो भी इंडियन मीडिया पर। आपसे ये जानना चाहूंगी सबसे पहले कि इंडिया में मीडिया का कितना दबाव था आप लोगों पर? और मेरे ख्याल में वहां का जो मीडिया है बहुत ही ज्यादा नेगेटिव देखा गया। दोनों मुल्कों के जो कॉन्टेक्ट जो आपस में खराब हुए हैं वो हुए हैं भी मेरे ख्याल में मीडिया की वजह से, इसलिए। Wait a minute. मेरे ख्याल में मीडिया की वजह से कुछ भी। टीम के साथ, इंडियन टीम कैसी है आप लोगों के साथ, उनकी ट्रीटमेंट और उनका बातचीत वगैरह किस तरह? हमारा दिल है वो उनका नहीं हो सकता, अंदर से जो जिस किस्म के हम लोग हैं पाकिस्तानी वो नहीं हो सकते। हाँ भाई, हम आपके बराबर कैसे हो सकते हैं? ना हम आपके देश में आतंकवादी भेजते हैं, ना हम आपके देश में आतंकवादी बॉम्ब फोड़ने भेजते हैं, और ना ही हम आपकी तरह इतने नकारे हैं कि अपने फौजियों को ना स्वीकारें, और ना ही हम किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो भैया, हम आपके बराबर कैसे हो सकते हैं? तो ऐसे लोग जो हमारे देश को दुश्मन मानते हैं, इन लोगों को भाव नहीं देना चाहिए। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि क्रिकेट में जिसने सबसे ज्यादा बार 0 रन बनाए हैं वो उस देश को समझा रहा है जिसने 0 की आविष्कार किया है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।